असलम दोस्तों ट्रीजर ऑफ नॉलेज थर्ड एडिशन में हमने जो इंग्लिश क्लास फोर के एम्सक्यूज का सिलसिला शुरू किया है हमारे साथ आज एक नया टॉपिक है सबसे पहले आज हम सीखेंगे साउंड ऑफ दी यादा यानी ये दी कब बोला जाता है अवरदा कब बोला जाता है वेन टी एच ई ये जो तीन हरूफ वाला लफज है दी कम्स ये आता है बेफोर अवावल साउंड यानी वावल साउंड से पहले आता है एट इज प्रोनाउंसड ये प्रोनाउंस की जाती है इज दी यानी इसको हम डी बोलते हैं वावल साउंड से पहले बट लेकिन when इट कम्स जब ये आती है बिफोर अ कॉन्सुनेंट साउंड कॉन्सुनेट साउंड से पहले इट इज प्रोनाउंस इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इज द रीड दी फॉलोइंग टेक्स्ट अब ये फॉलोइंग टेक्स्ट जो है आप इनको पढ़ो प्रोनाउंसिंग दी आर दा यानी दी और दा किस तरह प्रोनाउंसिएशन इनकी करती है दी अच्छा दी ऑरेंज दी एप्पल्स दी अम्बरेल दी ओनर अब यह दा द मेच द फाइल द हाउस ठीक है यानी जो न, आ, वावल होंगे उनसे पहले जब ये लिखा जाएगा वावल आ, जिनकी आवाज़ आती है, तो दी बोलेंगे और जो कॉन्सोनेटा की आवाज़ आती है, तो दा बोलेंगे यू कैन सी अ डिटेल कंसेप्ट ऑफ दी कंपाउंड नाउन इन दी ग्रेमर पोर्शन टीक है अच्छा नाउन हमारे साथ जो है कंपाउंड नाउन है अ कम्पाउंड नाउन इज़ अउन कंपाउंड नाउन जो होता है ये एक नाउन होता है दैट इज मेड जो कि बना होता है विध टू आर मोर वर्ड्स दो या दो से जायद अल्फा से अ कम्पाउंड नाउन जो होता है इज़ यूजली ये अमूमा नाउन प्लस नाउन या तो नाउन प्लस नाउन होता है आर एजेक्टिव प्लस नाउन या एजेक्टिव प्लस नाउन होता है देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन जो कंपाउंड नाउन है हमारे साथ इनकी तीन फॉर्म्स या अकसाम है नंबर एक ओपन आर स्पेस्ड यानी अ स्पेस बिटवीन वर्ड्स टेनिस शू यानी यह पे स्पेस इनके दरमियान है हाइफेनेटेड यानी जो हाइफन होता है यहाँ पे हाइफेन बिटवीन वर्ड्स इनके दरमियान हाइफेन होता है सेक्स क्लोज आर सॉलिड यानी नो स्पेस आर हाई फेन बिटवीन वर्ड्स ना तो कोई स्पेस होता है और ना ही कोई हाई में साल के तौर पर बेड रूम अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ एम सी क्यूज है फाइंड द कंपाउंड नाउन विच कैन बी फॉर्म्ड फ्राम टू ऑफ दिस फोर वर्ड्स बेक फ्रंट ड्रा एंड पोल ठीक है यहाँ पे है ड्रा बेक ड्रा बेक ठीक है और यह हमारे साथ कौन सा नाउन है क्लोज्ड टीके यानी क्लोज फॉर्म वाला है you <laughs> अच्छा फाइंड द कंपाउंड नाउन विच कैन बी फाउंड फ्राम टू ऑफ दीज फोर वर्ड्स यानी इन चार में से जो दो अल्फा से बना होगा रेड ब्लू एंड ग्रीड ग्रीड यहाँ पे ग्रीड लिखा है ठीक है तो यहाँ पे है रेड हेड रेड हेड ठीक है अच्छा फाइंड द कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन मालूम करो विच कैन बी फाउंड जो के बनाया जा सकता है फ्राम टू ऑफ दि फोर वर्ड्स इन चार में से दो

वट काइंड कंपाउंड नाउन इज इन से सेंटेंस द डिनर बिल रिंग यानी जो डिनर बिल थी वो रिंग हो गई ठीक है लाउडली एट ओपन तो ये ओपन किस्म का है ठीक है यानी इसकी किस्म ओपन है फाइंड द कंपाउंड वर्ड द रेल रोड तो हमारे साथ है रेल रोड के पोटर एन आर न्यू साइन बाई ट्रेक वट इज द कंपाउंड वर्ड माई फेवरेट डेजर्ट इज अंट आइसक्रीम तो आइसक्रीम यहाँ पे है कंपाउंड वर्ड वट काइंड ऑफ कंपाउंड वर्ड इज इन दिन इन दिस सेंटेंस इसमें तो ये ओपन है ठीक है तो ये ओपन वर्ड कंपाउंड नाउन है ठीक है कंपाउंड वर्ड है

एकरस बेक यार्ड्स पोलिंग पोलन फ्राम मिनी सनफ्लावर्स तो हमारे साथ तीन है एक अंग दो तीन ठीक है हाउ मिनी कंपाउंड वर्ड्स आर इन दॉलोविंग सेंटेंसेज दिएटर बॉट हॉट चॉकलेट एंड फ्रेंच टॉस्ट टू आवर टेबल तो इसमें दो है ठीक है आगे हमारे साथ है हाउ मेनी कंपाउंड वर्ड्स आर इन दी फॉलोइंग सेंटेंस दी कप केक वाज डेकोरेटेड विद स्प्रिंकल्स एंड पेटिव फ्रॉस्टिंग तो कप केक हमारे साथ एक है ठीक है अच्छा हाउ मेनी कंपाउंड वर्ड आर इन दी फॉलोइंग सेंटेंस लाइन द टेनिस रैकेट ऑन द डाइनिंग रूम टेबल बिफोर हीटिंग सम मेखोरिनी एंड चीज़ एंड गेटिंग सम चॉकलेट मिल्क तो इसमें चार ठीक है, है हमारे साथ व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड वर्ड्स इज इन दिन इन दिस सेंटेंस तो ये कंपाउंड वर्ड हमारे साथ ऊपर वाले सेंटेंस में सारे क्लोज है ठीक है यानी आप इनमें देखो तो हमारे साथ सारे क्लोज आ रहे हैं अच्छा माइकी इज अ सच अ स्वीट हर्ट तो ये इसमें किया है स्वीट हर्ट हमारे साथ किया है क्लोज है ठीक है वट काइंड कंपाउंड वर्ड इज इन दिस सेंटेंस इस सेंटेंस में कौन सा है दाट टाइम तो हाईफीनेटेड है ठीक है यहाँ पे हाइफिनेटेड kind of है वट काइंड कंपाउंड वर्ड्स आर इन दालोइंग यहाँ पे है द कमांडर इन चीफ हाईफिनेटेड है ठीक है तो एंड दूसरा हमारे साथ है फायर बॉट्स यानी दो हमारे साथ है और दो एक हाइफिनेटेड है और दूसरा हमारे साथ है क्लोज कंपाउंड वट काइंड कंपाउंड वर्ड्स आर इन द बेल्ट स्नो फ्लेक बाई स्नो फ्लेक आल विंटर लॉन्ग यानी एक दो तो, तीन सारे क्लोज कंपाउंड है विच वर्ड्स इस कंपाउंड ठीक है इनमें से कौन सा कंपाउंड है बेकॉर्ड विच वर्ड इज कंपाउंड इन देंटेंस आई लव टू वॉच माई ब्रदर प्ले फुटबॉल यहाँ पे है फुटबॉल तो हमारे साथ आप शान में भी फुटबॉल द्रोसित तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक था वो मुकम्मल हो गया उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलिए शुक्रिया